तो गाइस आज नया क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है हम लोग इस क्लास में जो है रफिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक बने रहिए। तो सबसे पहले जाएंगे हम मिलिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मिलिंग अब जो मेरा ये स्टॉक है, जो वर्क पीस है उसके हम लोग स्टॉक लेंगे। तो अभी के लिए जो मैं इसकी सारा स्टॉक ले जा रहा हूँ, जो ये 50 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, इसको मैं स्टॉक ले लिया हूँ। देख पा रहे हैं आप, स्टॉक आ गया, ठीक है। अब इसमें हमको सबसे पहले जो आता है कमांड सरफेस रफिंग, ठीक है। तो सरफेस रफिंग में क्या होता है, सबसे पहले पैरेलल आता है, ठीक है। तो हम पैरेलल लेंगे। इसमें आपको पूछते हैं आपको बॉस में लेना है केवीटी में लेना है। अभी जो है मैं इसको अंडर डिफाइन करूंगा और इसको जो मेरा प्लेट है नाम सेव कर लिया। अब इसको सारे कंपोनेंट को मैं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप कॉन्टिनेंट में इसकी बाउंड्री सिलेक्ट कर सकते हो, किस इस पार्टिकुलर एरिया में सिलेक्ट करना है, ठीक है। अभी के लिए मैं कुछ सिलेक्ट नहीं करूंगा। सेक में आप सेक कर सकते हो, और ड्राइव सरफेस में कितना सरफेस सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हो। कैट फाइल में डायरेक्ट इसको कैट फाइल को इम्पोर्ट करके आप सेव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू टूल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एनमिल लूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे 10 का एनमिल चला रहा हूँ। आप यहाँ पे इसकी जो पैरामीटर वगैरह है यहाँ पे डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो। प्लांट रेट, टेक रेट, फिट रेट वगैरह कितना क्या डालना है आप डायरेक्टली यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो उसको मैं फिनिश फिनिश कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो आते हैं मैं इसको सब चुनों को एब्सोल्यूट कर लूंगा। अगर इसको भी एब्सोल्यूट करना है तो कर सकते हो। राफ्टिंग में कितना आपको स्टेप डाउन देना है, ठीक है। स्टेप डाउन जो है अभी के लिए मैं 0.22 ही रहने दे रहा हूँ। और यहाँ पे आपको 1 में सही जिगजैग सही आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैक्सिमम स्टेप जो है 12 mm में बहुत ज्यादा है, मैं इसको 6 mm कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर कट पैरामीटर में जाके आप एब्सोल्यूट करना चाहते हो या इंक्रीमेंटल करना चाहते हो आप इसको यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे है कट फ्रॉम बोथ साइड करेंगे हम, ठीक है। अब देखो इसको रनिंग कर दिया हूँ मैं। अब देखोगे इसमें तो लाइक इस तरीके से ये 0.2 0.2 mm का जाएंगे, क्योंकि मैंने इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग किया इसमें। अगर मैं एब्सोल्यूट करता तो डायरेक्ट ही हो जाता, लेकिन मैं इसमें इंक्रीमेंटल किया हूँ। तो लाइक इस तरीके से यहाँ पे मशीनिंग होंगे, ठीक है। इसके एंगल भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसने पिन कर दी है इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो पैरामीटर आपको ध्यान रखना है, इस सब पैरामीटर आपको ध्यान रखना है। मशीनिंग एंगल डालना है तो आप यहाँ पे एंगल भी डाल सकते हो। सपोज 90 डिग्री का मशीनिंग एंगल डालना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी चला सकते हो। लाइक इस तरीके से आपकी मशीनिंग होंगी फिर, ठीक है। कंपोनेंट के हिसाब से आपको सेट करना पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको सेट करना पड़ेगा, है। तो नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट आते हैं हम लोग की रेडियल आता है, ठीक है। तो रेडियल में एक्चुअल में होता क्या है, रेडियल में आपको इसकी जो है रेडियल पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ेगा। इसके लिए मैं इसको अंडर डिफाइन करूंगा और सारे सरफेस को मैं रेडियली कटिंग करूंगा। तो मैं इसमें पॉइंट ले लिया, यहाँ पे 43 मेरा सरफेसेस है जो मैंने इसको IGS फाइल में कॉन्वर्ट किया है। इसका 43 IGS फाइल है, सरफेस है। तो इसके बाद जो है रेडियल जो है मैं इसमें भी 10 mm रहने दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी इसको एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट कर दिया। और यहाँ पे आपने जो है जिगजैग करने में यहाँ पे जिगजैग ऑपरेशन कराऊंगा। और जो मशीनिंग एंगल इंक्रीमेंट है 1 का है और स्टार्ट एंगल 0 है, ठीक है। ऑफसेट डिस्टेंस 1 है। तो यहाँ पे कार्ड डेप्थ में यहाँ पे भी इंक्रीमेंटली कर रहा हूँ, तो इसमें मैं ओके कर दूंगा। इसके बाद आपको मशीनिंग पॉइंट पूछेंगे किस पॉइंट से आप इसको मशीन करना चाहते हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पे किसी पार्टिकुलर पॉइंट को सिलेक्ट करना होगा। तो या आप इसको पॉइंट बनाओ या इसकी आप वो बनाओ। आप एक्चुअली यहाँ पे आपको पॉइंट पहले ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसको नीचे से स्टार्टिंग पॉइंट करूंगा तो ये मेरा गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको स्टार्टिंग से एक पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो हम एक पॉइंट बनाते हैं, तो पॉइंट के लिए यहाँ पे जाऊंगा मैं। सबसे पहले क्रिएट में जाके पॉइंट पॉइंट अब मैं सबसे पहले यहाँ पे कर दिया। और ये जो पॉइंट है मेरा यहाँ पे पॉइंट आप देख पा रहे हो, पॉइंट आ गई। फिर इसको मैं जाऊंगा एक्सपॉर्म में, फिर करूंगा ट्रांसलेट में। अब यहाँ पे पॉइंट सिलेक्ट करूंगा, एंटिटी लूंगा। मैंने इसकी जो हाइट ली थी ऑलमोस्ट 50 का लिया था, तो मैं यहाँ पे 50 mm में हाइट डालूंगा। इसमें जेड जो है मेरा 1 है, इसको आपको करना पड़ेगा 50 mm की हाइट में। देखो दोस्तों 50 mm हाइट है, तो मैं थोड़ा ऊपर से लेना चाहता हूँ, इसको 60 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट आ गया। अब जो है हम करेंगे इसको
ग्राफ रेडियल, ठीक। रेडियल में आपको सबसे पहले सारे को सिलेक्ट करना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट रेडियल पॉइंट डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो आप, या लास्ट में आपको ऑटोमेटिक ये पूछेंगे आपको कौन से रेडियल पॉइंट से करना चाहते हो, टूल चैनल रहेंगे हम लोग की, ठीक है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट करना है, और जो मेरा स्टेयर वगैरह है इसको कम ज्यादा आप कर सकते हो, एंगल वगैरह आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। गैप सेटिंग में आपकी यहाँ पे गैप वगैरह टूल डायमीटर से कितना गैप होना चाहिए वो भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। और जो टूल मोशन है आप बुकिंग करना चाहते हो, डायरेक्ट स्मूथ जो भी करना चाहते हो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये भी बहुत मायने रखता है आपके लिए, ठीक है। जैसे मैं इसको ऑन करूंगा तो आप देख पा रहे हो मेरा यहाँ पे रेडियली ऑपरेशन हो रहा है, एक चीज यहाँ पे गलत हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है आइसोमेट्रिक करूंगा तो मेरा रेडियल पॉइंट मेरा यहाँ से ले लिया है, क्योंकि मैंने एक्स की डायरेक्शन के हिसाब से रेडियल पॉइंट लिया था, तो आपको इसमें चेंज करना पड़ेगा। होम पोजीशन आप चेंज कर सकते हो, आपको प्लेन में जाके देखो यहाँ पे प्लेन जो है एक टॉप में है बाकी फ्रंट में है, इसको भी आपको टॉप में ही लेना है, अदरवाइज आपकी प्लेन जो है घूम जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्योंकि आप देख पा रहे थे मेरा कटिंग जो है इस तरफ से हो रहा था, तो मेरा जो प्लेन है फ्रंट ले रखा था, तो इसको प्लेन को आप कभी कभी मैनुअली ऐसे ऑटोमेटिक चेंज करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो हम ऐसे प्लान चेंज करेंगे, तो प्लान चेंज के लिए आपको यहाँ पे जाके प्लान जो है आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको ओके कर दे रहा हूँ, अब इसको मैं एक साथ कर देता हूँ। अब देखो पहले रेडियल जो है मेरा रेडियल पॉइंट के लिए मुझे रेडियल पॉइंट मांग रहा है, तो मैंने रेडियल पॉइंट दे दिया। आप देखो मेरा हर पॉइंट में कटिंग हो रहा है, जो पहला पहले हो रहा था पहले मेरा इस साइड से हो रहा था, तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर प्लान चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको रेडियल को मैं चला कर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरीके से इस पॉइंट से 0.2 0.2 जो मैं इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग लिया हूँ उस तरीके से यहाँ पे आपकी फिनिशिंग करते जाएंगे, ठीक है। अभी जो है मैं रफिंग चला रहा हूँ, मैं इसको चला कर दिखाता हूँ आपको, ये आपकी रफिंग हो रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से आपकी कटिंग होंगे, ठीक है। ये पॉइंट जितना नजदीक हुआ इतना अच्छा फिनिशिंग आता है, जितना दूर होगा उतने भी आपको प्रॉब्लम भी फिनिशिंग में प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है। तो जब देख पा रहा हूँ किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ये मशीनिंग हो रहा है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो पहले पहले हम इसको पॉकेटिंग कर देंगे, नहीं तो यहाँ पे जो है टूल टूटने का चांस आएंगे, तो हम इसको पॉकेटिंग करेंगे सबसे पहले, उसके बाद सब कमांड लगाएंगे। अभी देख रहे हो लाइक इस तरीके से आएंगे, यहाँ पे फिनिशिंग बाकी है तो हम इस फिनिशिंग करेंगे, जो मिनिमम जो है 1 mm की स्टॉक साइड में रख रखा है, ठीक है, वो भी आपका ऑपरेशन करके साफ कर देंगे, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट हम लोग आगे जाते हैं, अब नेक्स्ट जो मेरा टूल आता है यहाँ पे फ्लो लाइन आता है, तो फ्लो लाइन में आपको अलग से कराऊंगा, दूसरे कमांड पे कराना पड़ेगा इसमें। इसमें क्या होता है, हम किसी फ्लो के अराउंड करेंगे, तो इसको मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो मेरा है कंटूरिंग है, ठीक है। तो कंटूरिंग जो है किसी पर्टिकुलर आपको ड्राइव सर्फेस को सिलेक्ट करना है, किस सर्फेस के अराउंड आपको कंटूरिंग करना है, ठीक है। तो हमने जो है इसकी बाहर की एरिया सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो मैं इसमें सिलेक्ट कर लिया हूँ, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल में आप बाउंड्री भी बना सकते हो इसकी, अब ऐसे भी कर सकते हो। तो अभी के लिए तैन ही रहने देते हैं, तो इसको मैं एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट कर लेता हूँ दोनों को। तो रफ जो है मेरा यहाँ पे ब्रोकन रहेंगे, ठीक है। जब तक कार्ड वगैरह आप इंक्रीमेंटल करके भी दिखाता हूँ मैं इस बार आपको, इंक्रीमेंटल में मैंने 50 mm का लिया था, तो मैं -55 का मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके ऑप्शन पूछते हैं आपको किस तरीके से गैप सेटिंग वगैरह रखना है, क्लाइम करना है, कन्वेंशनल करना है, वन वे करना है, जिगजैग करना है, जैसे आप चाहते हो तो उस तरीके से आप, ठीक है। जैसे दोस्तों मैंने माइनस में डाला तो वैल्यू जो है मेरा माइनस में चला गया, ठीक है। तो मैंने मेरा जो मेरा वर्कपीस था तो मेरा जो प्लस में थे तो मैं इसको माइनस में डालूंगा तो ये मेरा माइनस में चले जाएंगे, तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, मैं इसमें दिखाता हूँ आपको। तो मेरा जो है टूल जो है लगे इस तरीके से आपको, ठीक है। अभी जो है थोड़ा गलत कर गया है, तो इसको उल्टा लेना पड़ेगा,
इसको हम सेंस कर लेते हैं पहले पहले ही, तो इसको जो है -5 जो है ऑटो डिटेक्ट फ्लैट वाइन प्रोसेसिंग इसको ऑन कर देना पड़ेगा, तो वो ऑटोमेटिक जो है सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसको मैं अभी इंक्रीमेंटली रहने दे रहा हूँ। अब दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे आपको लैपटॉप पार्ट मेरा ओके है, 1 कर लेता हूँ मैं इसको। गैप सेटिंग होगा 300 ठीक है। सरफेस पैरामीटर डीप में रखना है, स्टॉक ऑन डीप करने को स्टॉक में रखना है तो यहाँ पे रख सकते हो। सेंटर से करना है, इनसाइड से करना है, आउटसाइड करना है, ये आपके जब काम करेंगे, जब आप इसकी बाउंड्री सेलेक्ट करेंगे तभी ये काम करेगा। ठीक है, तो इसको एक बार रन करके दिखते हैं। ठीक है, अब देख पा रहे हो, अब जो है बाउंड्री बाउंड्री से काटेंगे ये, है ना। तो इसकी कॉन्टूर कॉन्टूर जो है एरिया सेलेक्ट कर लिया था तो उसको अंदर अंदर काटेंगे लाइक इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे एक चीज का प्रॉब्लम यह है, जो इसकी जो एरिया बाउंड्री था इसने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो इसमें आपको कॉन्टिनेंटल में आपको बाउंड्री लेना पड़ेगा तभी इसकी बार बार एरिया काटेंगे, नहीं तो अदरस इसके भी आपके वर्क पीस देख पाओगे, यहाँ पे भी वर्क पीस काट देंगे। ठीक है, तो ये चीज करके दिखाना जरूरी था क्योंकि हमने यहाँ पे ओनली सर्फेस सिलेक्ट किया है। अगर सर्फेस सिलेक्ट करोगे यहाँ पे एरिया डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि ये जो आप इस ये जो आपके सर्फेस है यहाँ पे फ्लैट रहेंगे तो इस एरिया में तो टूल घूमेंगे घूमेंगे, तो इस केस में आपको इसकी बाउंड्री बनाना पड़ेगा, इस बाउंड्री में ही आपको घुमाना है। तो हम इसके इस केस में कॉन्टिनेंटल बाउंड्री बनाएंगे इसमें। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हम जो है इस केस में जो है हम लोग की यहाँ पे इनसाइड जो है कटिंग ओवर आया, तो इस केस में हम अगर आप बाउंड्री बना के भी करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे इसमें आपके जाके अगर इसमें बाउंड्री भी लोगे लाइक इस तरीके से बाउंड्री बनाओगे, फिर भी ये जो सर्फेस है आपकी कट करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे अगर जाऊंगा कॉन्टिनेंटल में इसकी बाउंड्री सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, बाउंड्री डायरेक्शन सेंस करने के लिए आप इनसाइड आउटसाइड कर, अभी के लिए मैं आउटसाइड ही करूंगा, तो आउटसाइड ही है। इसको सेंस करने के लिए आप रिवर्स सेंड भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप रिवर्स सेंड की जगह में अगर इसको आप सेंस साइड करोगे तो इनसाइड हो जाएंगे वो बाउंड्री। ठीक है, तो अगर बाउंड्री भी करोगे, मैं दिखा देता हूं एक बार क्या प्रॉब्लम आएंगी आपको। तो इसको अगर बाउंड्री भी करोगे फिर भी ये जो है इस सर्फेस को आपको लेंगे ही, क्योंकि ये एक सर्फेस डिफाइन कर रहा है, ये जो एक सरफेस है खाली, तो इसके अंदर कंटूरिंग करेंगे तो इस सरफेस के तो बाउंड्री आपका यहाँ पे कुछ होना चाहिए, तो नहीं है। तो इस केस में आपको सरफेस सिलेक्ट नहीं ओनली बाउंड्री सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मैं दिखाता हूँ, मैं ज्योमेट्री में जाके यहाँ पे शो करके देखो, आप यहाँ पे आप देखोगे तो ओनली ये सरफेस है, तो इसकी कंटूरिंग करूंगा तो इस एरिया तो कंटूरिंग हो गया ना इस एज को, क्योंकि ये पार्टिकुलर एज है, ये कनेक्टेड नहीं है। अगर कनेक्ट नहीं होगा यहाँ पे तो इसमें तो टूल घूमेंगे, क्योंकि टूल इसको एज ए बाउंड्री काउंट करेंगे। तो इस केस में आप जो है ये टूल यूज नहीं करोगे, ऐसे केस में आपको टूल यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे बाउंड्री लेना पड़ेगा, जो कंटूर मैंने यहाँ पे जो एक बाउंड्री लिया हो तो आप सिंपली यहाँ पे कंटूरिंग चलाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंटूरिंग चलाना पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो मैंने इसकी जो है सेम बाउंड्री ले लेता हूँ, इसको बाउंड्री ले लेता हूँ, एक बाउंड्री ले लिया। तो इस केस में आप जो है ये कॉन्ट्रोल चलाओगे, टूल मैंने सेम ले रहा है वही वाली। ठीक है, होल्डर कट पैरामीटर जो है मैं लेफ्ट साइड राइट साइड जो है राइट साइड रहेंगे, ये लीड ऑन ऑफ रहेंगे, इसको एंट्री मोशन वगैरह आप जैसे चाहो दे सकते हो। तो इसको जो है मैं एब्सोल्यूट कर लेता हूँ, एब्सोल्यूट सबको, और इस केस में हम डालेंगे -55। ठीक है, ऐसे केस में आप ये ऑपरेशन चलाओगे, -55 आपका हो जाएंगे, क्योंकि मेरा स्टॉक जो है नीचे नहीं है ऊपर है, तो आपको इसको इंक्रीमेंटली रहने दो। ठीक है, तो इसको आप चला के एक बार देख लो लाइक इस तरीके से आपकी बाहर बाहर से काटेंगे। ठीक है, स्टॉक नीचे होना चाहिए था, तो ये जो है आपके ऐसे बाहर बाहर ही काटेंगे टूल। ठीक है, तो लाइक इस तरीके से टूल लेंथ थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आपको, तो इस तरीके से आपको जो है ये कमान चला होगा यहाँ पे, तो इस केस में। ठीक है, तो आपके कैसे काफी कुछ केस मिलेंगे, आपको पता होना चाहिए आप ही कहाँ चलाओगे, तो इस केस में हम एक कंटूरिंग चलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट जो मेरा कमांड है तो वो है आपकी रेस्ट मिल्ट और पॉकेट। चलो सबसे पहले पॉकेटिंग करते हैं। पॉकेटिंग में आपको सबसे पहले ड्राइव सरफेस सिलेक्ट करना है, कहाँ तक ड्राइव करना है, उसके बाद जो है इसकी एजेस सिलेक्ट करना है जो आपकी एज ए बाउंड्री काउंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो रेसमेल भी बता दूंगा मैं इस कमांड में ही, लेकिन रेसमेल इसमें काम नहीं करेंगे, कुछ प्रॉब्लम भी आएंगे, मैं दिखा देता हूं एक बार रेसमेल में। तो यहाँ पे जो है हम ओके कर दिए, टूल सेम ले रहा है, यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट ही लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लैंप सही है, कन्वेंशन लेना सही है, मैक्सिमम स्टेप डाउन 2 है,
ठीक है, डेप्थ ऑफ कट में आप यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट कितने आप देखना चाहते हो इंक्रीमेंटली आप रख सकते हो। पॉकेट पैरामीटर में आपको हाई स्पीड चलाना है, पैरेलल चलाना है, जो भी चलना है, सिंगल पास फिनिश मारना है, राफ करना है, स्पेसिंग वगैरह आप सिलेक्ट करोगे तो इस एरिया में हम पॉकेटिंग कर देंगे। ठीक है, बट देखो अब देखो यहाँ पे हमने पॉकेटिंग कर दिया। अब देखो यह पॉकेटिंग कमांड में आप चला के देख पाओगे लाइक इस तरीके से हमने पॉकेट कर दिया। तो 0.2 का हमने जो इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग किया है तो ये एक स्टेप में 0.2 करके यहाँ पे मशीनिंग कर देंगे ये चीज। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम इसको मशीनिंग कर देंगे। तो यहाँ पे आप स्पीड वगैरह आप वेरीफाई कर सकते हो, स्पीड ज्यादा स्पीड में चलाना चला सकते हो। ठीक है, तो ये जो है हमने मशीनिंग कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं इसको इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग करता तो मुझे यहाँ पे जो मैंने यहाँ जो सरफेस दिया हो, सरफेस की जगह यहाँ पे आपको हाइट देना पड़ेगा और बाउंड्री की जगह में आपको यहाँ पे बाउंड्री लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया क्रिएट में जाके आपको यहाँ से लेके बाउंड्री बनाना पड़ेगा। तो ये तरीका होता है इंक्रीमेंटल, कुछ कुछ में हम लोग इंक्रीमेंटल भी करते हैं, कुछ कुछ में आप एब्सोल्यूट भी करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे इंक्रीमेंटल कर रहे हो, कहाँ पे एब्सोल्यूट कर रहे हो। ठीक है, तो आज जो मेरा मेन जो कॉन्सर्न है वो हम कॉन्सर्न ये है कि मैं आपको कमांड कवर करूँ और नेक्स्ट इसकी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जो है हम जो है इसके ऊपर मशीनिंग करके दिखाएंगे इस कमांड से। ठीक है, और तो जो नेक्स्ट कमांड आते हैं हम लोग के पॉकेट होगी रेस्ट मिल। अभी दोस्तों मैं इसमें रेस्ट मिल तो दिखा रहा हूँ लेकिन रेस्ट मिल इसमें अच्छा से नहीं आएंगे क्योंकि रेस्ट मिल ऑब्जेक्ट के लिए थोड़ा थोड़ा अलग तरीके से ऑब्जेक्ट में करते हैं, फिर भी मैं इसको कमांड को दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे ड्राइव सर्फेस में आपको किस में ड्राइव सर्फेस में रेस्ट मिल करना है, तो मैं इसमें रेस्ट मिल करना है। ठीक है, और इसकी जो आपको बाउंड्री लेना पड़ेगा तो बाउंड्री के लिए मैं सबसे पहले एक जो रेस्ट मिल को हटा रहा हूँ यहाँ पे एक बाउंड्री बना लेता हूँ, नो करना है इसमें बाउंड्री। तो यहाँ इस सरफेस की एक बाउंड्री बना रहता हूँ जिसमें हम लोग रेस्ट मिल करेंगे। ठीक है, नीचे मेरा एक लाइन आ गई। ठीक है, जिसमें हम वो करेंगे। तो इस केस में सबसे पहले आप जाओगे रेस्ट मिल डाइप सरफेस सिलेक्ट करोगे। ठीक है, और जिसके अंदर करना है हम ओके कर दिए। अब इसमें कॉन्टेमेंटल में आपको इसकी बाउंड्री सिलेक्ट करना है। ठीक है, डन। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके करना है। अब इसमें हम जो है टूल सबसे छोटा टूल लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एन मिली ले रहा हूँ, 3 mm का ले रहा हूँ। ठीक, उसके बाद आप पैरामीटर में आपको दोनों को एब्सोल्यूट कर लो। रेस्ट मिल में आपको यहाँ पे जो है स्टेप डाउन जो है थोड़ा कम कर लो क्योंकि आपको स्टेप कम ही करना है इसमें, और जो स्टेप ओवर है इसको मैं कम कर दे रहा हूँ एकदम। ठीक है, और क्लाइम इसमें ब्रोकन सही, रैम सही, वन वे सही, एग्जैक्ट सही आप सिलेक्ट कर सकते हो। डेप्थ ऑफ कट पैरामीटर में इंक्रीमेंटल करना है एब्सोल्यूट करना है सिलेक्ट कर सकते हो। रेस्ट पैरामीटर में आपको यहाँ पे जाके जिस ऑपरेशन के ऊपर करना चाहते हो सब कुछ, मैं यहाँ पे करना चाह रहा था पॉकेटिंग के ऊपर जो मेरा लास्ट कमांड था, तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा, यहाँ पे पॉकेट कमांड को सिलेक्ट कर लूंगा। तो इस फाइल में जो रेस्ट मटेरियल रह जाएंगी उसके ऊपर हम रेस्ट मिल करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें और एक ऑप्शन मिलता है कि आपको सेंटर से करना है, इनसाइड करना है, आउटसाइड करना है, तो हम इनसाइड करेंगे। तो आपको इनसाइड इसमें अगर ऑफसेट रखना है तो ऑफसेट तभी रख पाओगे जब इसकी बाउंड्री सिलेक्ट करोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नो डेप्थ ऑफ कट वगैरह जो है इसमें कहा नहीं है, इस केस में हम आएंगे। ठीक है, रेस्ट मिल पैरामीटर में जाके आपको 0.01 है स्टेव ओवर रखना है तो रख सकते हो, थोड़ा 0.1 का स्टेव ओवर रख दिया आपने। सरफेस पैरामीटर में एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट सेंटर पे लेके देखते हैं, तो इसके ऊपर रन करके देखता हूँ। तो ये थोड़ा टाइम लगाएंगे क्योंकि हम जो है स्टेव ओवर वगैरह बहुत कम दे रखा है तो इसमें थोड़ा कैलकुलेट होने में टाइम लगाता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो ये आ गया है, तो इसमें हम लोग अभी रेस्ट मिल चलाएंगे। तो इसमें जितना भी नैनो पार्टिकल आपके रह जाएंगे इसमें, तो रेस्ट मिल में हम उसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये रेस्ट मिल में काम आता है बहुत ज्यादा। तो दोस्तों इसमें आई थिंक सारे और को कमांड कवर हो गई। एक जो इम्पोर्टेंट केस है जो मैं बताने वाला हूँ, इसमें दो केस है आपकी फ्लो लाइन। ठीक है, और जो प्लांट्स है मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, तो प्लांट्स के लिए अलग सर्फेस चाहिए, इसको बनाना पड़ेंगे और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएंगे। तो इसमें अभी फ्लो लाइन बताने वाला हूँ। फ्लो लाइन में एक्चुअली में होता क्या है, देखो दोस्तों ध्यान से देखना इसमें। ठीक है, अब मैं फ्लो लाइन के लिए एक नया पार्ट मैं इंपोर्ट करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ फाइल में जाके एक न्यू फाइल लेंगे, जो इसको मैं दोनों सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जाके हम IGS करके कुछ है मेरा।
है, ये जो मेरा फ्लो लाइन के लिए है, तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कैसे कैसे सरफेस में आप फ्लो लाइन लगाओगे। ठीक है, तो इस केस में हम सबसे पहले जो है स्टॉक ले लेते हैं, स्टॉक तो आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम जो है स्टॉक ले लिए। ठीक है, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जाना है फ्लो लाइन, इस पार्टिकुलर एरिया को आपको सिलेक्ट करना है लाइफ सर्विस में। ठीक है, जिस एरिया में आप काम देखो दोस्तों, जब भी इसको ध्यान रखना है इसमें अंदर करना बन जाए, अंदर कर इन द सेंस, इसको मैं यहाँ से एक बार बताता हूँ क्या होता है चीजें। जैसे आप ऊपर से देख रहे हो, कभी कभी जो आप सब्सट्रेक करते हैं तो ये जो है राउंड है थोड़ा अंदर होके चले जाते हैं, तो अगर ऊपर से आप मशीनिंग करोगे ना तो अंतर्गत बन जाएगा, वो बनेगा नहीं फिर। ठीक है, फिर आपको टूल खत्म कर देंगे। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको अंतर्गत ना बने। ठीक है, इसमें भी आपको मैं बाउंड्री ले लेंगे। ठीक है, तो नीचे कॉन्टिनेंटल बाउंड्री लेना पड़ेगा, तो हमने ये जो कॉन्टिनेंटल बाउंड्री ले लेंगे। तो अब जाएंगे हम फ्लो लाइन में, अंदर डिफाइन ओके करना है, सरफेस सिलेक्ट करना है, डन। इसमें आपको फ्लो लाइन की जगह में आपको यहाँ पे फ्लो लाइन की जो एरिया है आपको चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, पाथ डायरेक्शन को आपको इस तरीके से करना है। अगर ऐसे करोगे तो आपकी ऐसे होंगे, लेकिन फिनिशिंग में थोड़ा इतना वो नहीं आएंगे, तो आप इस तरीके से इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो हमने इसको ओके कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद जो आपकी टूल पूछेंगे, तो टूल हम जो यहाँ पे 6 का ही ले लेता मैं। ठीक है, तो टूल में थोड़ा देखने में आपको पता होना चाहिए, तो मैं राउंड वाला टूल ले रहा हूँ। ठीक है, कट पैरामीटर वगैरह में इसको एक्सेलरेट रख लेता हूँ, और इसमें आपकी जो मैक्सिमम स्टेप डाउन वगैरह है इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, इंक्रीमेंटल कर लेते हैं हम 0.2 का ही। ठीक है, जिग-जैग चलाना है, वो चलाना है आप इसमें देख सकते हो। तो लाइक इस तरीके से आप यहाँ पे जो गैप आ रहा है मेरा थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो वो भी आपको देखना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम, ठीक है, आप उसमें मशीनिंग कर सकते हो। तो ये जो होता है आपकी फ्लो लाइन में आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट में, ऐसे जहाँ पे सरफेस होंगे, तो हम उस केस में हम जो फ्लो लाइन करेंगे। ठीक है, अब जो गैप आ रहे हैं दोनों के बीच में, आपको गैप को कम करना पड़ेगा, नहीं तो इसमें जो आप लाइन दिख जाओगे, तो इसमें जो गैप आ रहा है तो आपको गैप वगैरह कम करना होगा यहाँ से। ठीक है, तो स्टेप डाउन वगैरह आपको कम करना होगा, गैप पैरामीटर में जाके इसको आपको कम करना होगा, दोनों के बीच में कितना गैप आ रहा है। ठीक है, इसमें पार्शियल डिस्ट में दिखाते, डिस्टेंस में दिखाना है डिस्टेंस में दिखा सकते हो। सपोज मुझे 1 mm के गैप चाहिए, तो बीच में 1 mm के गैप लेके आप कर सकते हो। ठीक है, अब देख लो गैप बहुत ज्यादा कम हुई। ठीक है, अब देख रहे हो आप, तो ऐसे आपको जो है काम करना होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। कोई अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो आप, कुछ कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट कमांड में हम लोग एक कमांड रहेगी प्लांच कमांड, वो हम नेक्स्ट कमांड में करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग प्लांच कमांड भी करेंगे, और जो मेरा सरफेस बनाऊंगा जो कंपोनेंट रहेंगे उसके ऊपर हम मशीनिंग भी करेंगे। ठीक है।